तो वहीं इधर राहुल गांधी ने रूस और चीन को लेकर भी बयान दिया है। वॉशिंगटन में चीन को लेकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, ये रिपोर्ट देखिए। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को खारिज किया जिसमें पीएम ने दावा किया था कि बॉर्डर पर भारत की एक इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस समय भारत की 1500 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का कब्जा है। What is your reaction to Prime Minister Modi's statement that not an inch of land has been lost to the border with China? And can you talk about India's relationship with China and how it's changing? I mean, the fact of the matter is China is occupying our territory. It's an accepted fact. I think 1500 square kilometers land the size of Delhi is occupied by them, and I think, you know, absolutely unacceptable. Prime Minister seems to believe otherwise. I don't know. I mean, maybe he knows something we don't know. अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला बोला। हालांकि राहुल ने रूस पर बीजेपी सरकार की मौजूदा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो इसी नीति पर काम करती।